बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सो आज के व्लॉग को करते हैं हम स्टार्ट। तो आज जो है बनाने लगी हूँ मैं चटनी। इधर मैंने पुदीना जो है इसको मैंने तोड़ लिया है, और इधर ये जो है ग्रीन मिर्चें पड़ी हुई, मेरे पास टमाटर भी पड़े हुए हैं, और ये जो है कच्चे आम, कच्चे आमों की जो हमने ना चटनी बनानी है। तो अभी मैं इसको काटती हूँ, और ये इसको टमाटर का भी मैं काटती हूँ, और ये इसकी जो मिर्चें हैं ना इसके भी आगे से उतार लेते हैं, और इनको दो दो पीसीस में कट कर लेते हैं, और मैं काटती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। बान के काम चेक कर रहे हैं। ये क्या दुल्हन बन के बैठे हुए, किसने लगाई है आपको ये? मैंने। ये क्यों लगाई है, क्यों लगाई है ये? अच्छा जी, मैंने इधर जो है ना अपना चटनी का सारा सामान बना लिया है। इधर मैंने ये कच्चे आम इनको कट कर लिया है, टमाटर इनको भी कट कर लिया, और ये मिर्च और ये पुदीना जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैंने इसको पहले तोड़ के रख लिया। अभी हम चलते हैं किचन में और बनाते हैं चटनी, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे इंग्रीडियंट्स फर्स्ट पे कौन से डालने हैं, सेकेंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। और जो धनिया है वो हमने फ्रीज़ की हुई है, वो फ्रीज़ की हुई वैसे निकालेंगे और उसको हम चटनी के अंदर अपनी ऐड कर लेते हैं। चटनी की शेफ आपको बताएगी कि चटनी बनाते कैसे। हाँ जी, टुडेज आज मेरी रेसिपी, और आज आपको ना व्लॉग में ज़्यादातर वॉइस मेरी सुनने को मिलेगी। देखिए ज़रा नहीं, आज क्या करने लगी है काम, ये क्या है? चलो स्टार्ट करो, इधर से यहाँ से स्टार्ट करो, डॉट के ऊपर ऊपर पेंसिल, डॉट के ऊपर ऊपर आ जाओ। अब आज जो है हम लोग, अभी गई हुई थी मैं और आमना, हम लोग करके आए शॉपिंग। ये जो कॉटन का सूट मैंने और आमना ने, हम दोनों ने सेम लिया, इसको जब स्टिच करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। ये एक ड्रेस कॉटन का लिया हमने, और एक ये जो है हमने ट्राउज़र लेना था वाइट मानिया ने के लिए, एक वो ट्राउज़र लेके आए। इसका कुर्ता है वो मैं आपको भी दिखाती हूँ, उस कुर्ते के साथ ये वाला जो वाइट ट्राउज़र लिया है चिकन का जिसे कहते हैं वो है। उसके अलावा एक हम जो लेके आए हैं घर पहनने के लिए जूता, ये वाला ये जूता हम लेके आए हैं। और हमने क्या लिया है, मानिया की फ्रेंड की है बर्थडे, उसके लिए भी हमने कुछ, ये मैंने लिया है पाउच अपने लिए, न्यू डिज़ाइन में अभी न्यू ही आए हैं, तो वो न्यू कलेक्शन है तो वो लेके आई मैं अपने लिए। और मानिया की फ्रेंड की बर्थडे है उसके लिए वो लेके आई है, कुछ टॉप्स वगैरह मंगवाने थे उसमें, तो वो भी लेके आई, वो भी दिखाती हूँ। ये वाले टॉप्स हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे ना बोट बनी होती है, शेप वही है ना इस तरह की शेप है। ये हम लेके आए आज, हमने ये थोड़ी सी जो है ना शॉपिंग की है, हमें काफ़ी टाइम लग गया बाज़ार में, टुडे की शॉपिंग जो है वो ये है। ये है हमारी जो है ना रिंग कलेक्शन, हमारी इतनी ज़्यादा रिंग्स है अभी, इनमें भी ना कुछ हाफ जो है ना वो गुम हो चुके हैं, हाफ ही रह गए इनके लिए। आज हम बाज़ार गए हैं ना, तो ये डिब्बा लेके आए हैं ताकि एक जगह पे ये ना सेव रहे। तो अभी पहले भी हमने ऐसी डिब्बी में रखी हुई थी, इसके अंदर पैक बंद थी, मतलब इस तरह से कुछ ये बंद हुई थी, तो अभी ना ये ऊपर थोड़ी सी इसकी ख़राब हुई बड़ी पैकिंग, तो इसको इसके अंदर जोड़ते हैं, और आप इसे ना जोड़ते, जोड़ो स्टार्ट करो, जोड़ते हैं और फिर हम आप सबसे पहले मेरी रिंग आ गई। चेक करो, वो बड़ी रिंग है और उसको किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर कवर कर रही है, हो गई है बस कर ली है इसने कवर। अभी तो ये इतनी साड़ी पड़ी है, अभी ये इतनी ज्यादा जो है ना, इसको ये निकालती हूँ और इसके साथ नहीं नहीं ये नहीं निकलेगा, उसके साथ अटैच है ये पीछे से, ये देखो इसको इसी तरह है? ये अटैच है, तो इसके अंदर रिंग कैसे आएंगे? इसको काट के इसके अंदर, तो सीजर के साथ इसको कट कर कैसे एक एक लाइन रखोगी? चलो करो जरा कट, इसी तरह नहीं, ये सिंगल सिंगल आएगा ये, इसको
ये देखिए हमारा जुगाड़, हमने इसको कट करके ना इसी तरह इसके अंदर रख लिया। अब इसके अंदर रिंग रखो ज़रा, ये नहीं आएगी, छोटी छोटी वाली आएंगी। हाँ इसी तरह अब ये सारी रिंग इसके अंदर जोड़ते हैं वन बाय वन। तो फाइनली जो है हमारी रिंग्स, इसमें हमने ना जुगाड़ लगा के फिनिश कर ली, कंप्लीट रख ली है इसमें सारी। दिस इज़ ऑल रिंग कलेक्शन। हमारे ना इधर छोटे छोटे स्पैरो के ना बच्चे जो है ना वो यहाँ पे बैठे हुए, कल भी इधर बैठे हुए थे, आज भी बैठे हुए थे। कितने क्यूट लग रहे हैं। ये रात को इधर ही होते हैं, सुबह को ये चले जाते हैं। मैं ना इनका बाजार जाऊंगी सुबह ना, वो छोटे जो लकड़ी वाले घर बने होते हैं ना वो लेके आऊंगी, वो इधर लगाऊंगी, फिर इनको ना वो बैठ जाया करेंगे अंदर। कितने प्यारे लग रहे हैं तीन। ओए स्पैरो, छोटी स्पैरो, आयशी हरकतें बंद कर। हाँ इसके काम चेक करें मानिया के, ज़रा एक कप होगा बड़ी मुश्किल से दूध, और उसका कस्टर्ड बना के केक मंगवा के बादाम शदाम काट के और इसको ज़रा बना के बैठी। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा ये इसकी डेकोरेशन कैसे करती है। माशाल्लाह केक देखिए उसने कौन से मंगवाए हैं, 5 रुपए का एक आता है। बच्चे जितने पॉकेट मनी होती है ना वो केक मंगवा लेती है। ओनली ओनली आपको मैं इसकी प्राइस दिखाती हूँ, ये 5 रुपीज है। ये बच्चे जितनी इसकी वो है ना शक्ल उतनी की ये चीज़ें मंगवाती है। चलो अभी अपने फेस के हिसाब से मंगवाना चाहिए ना। अब इसने इसके अंदर वो डाला कस्टर्ड, और अच्छा ये लेयर लगा रही है इसके ऊपर, फिर से कस्टर्ड डालेगी। इसलिए डबल डबल केक क्यों रख रही हो, आधा मुझे दे देना ऐसे सिंगल सिंगल। हाँ आधा सैनब को दे देना। यहाँ पे जो है ना नाजरीन हाजरीन बस करो चोरी भी डालो हुई है, ये सारा फिर नीचे चला। रुको जैनब रुको, केक ऊपर आ जाएंगे। ये क्या किया, ये वो जो केक की वो होती है ना चूंडी वाली लेयर वो उतार दी है। अब उड़ा भी केक की चूंडी देना, देती रुको जरा। ते ऑन दी ऑन दी ऑन से जिसे कहते हैं ये क्या हो रहा है पैसे अभी ये 2 नंबर फ्रूट ट्रैफल रेडी हो रहा है। सारी गल तेरे फरस से है 15 रुपए चूना लगाया अभी सना को। अच्छा लाओ रखो तू, सही अड्डा ले आओ सना, लाओ बेटा सुना है। कोई बात नहीं, ये मानिया का 5 रुपए का केक मंगवाया उसने वो भी चोरी करके। बागड़ी बागड़ी चोरी कर करके ना तो लगाती रहती है इसके ऊपर बादाम चोरी करके। मुझे आगे से कहती है सांझे बादाम। अच्छा रुको चलते हैं, ये देखो फ्रूट ट्रैफल रेडी हो रहा जी। वाह इतना केक माशाल्लाह। केक ट्रफल नहीं कहते हैं इसको, इसको कहते हैं कस्टर्ड, थोड़ा सस्ता किस्म में। हाँ जी ये बादाम बादाम लगने लगे, रुको जरा कस्टर्ड कस्टर्ड नहीं ये कास्टर्ड है। अब जो ये बनाया है ना तो ये मानी कल्ली ने खा जाना है, ये फ्रिज में रखेगी। ये मुझे ना खा दे क्योंकि इसमें मेरे बादाम लगाए और 15 रुपए आप इसे ना आपके चोरी किए हैं। जूम करके हमारे घर में आए हैं करेले बहुत बड़े बड़े साइज के फूल, ये देखे उतने ना खाए तू ना खाए करे पीछे करेले कड़वे होते हैं। अच्छा ये भर के बना मैंने कर ला क्या। हाँ जी कर ला दी।
वाटरमेलन हरा प्याज ये दोनों हैं। फ्रेश कद्दू वॉश करके लाओ। नींद पूरी होगी है जुहान, इधर देखो नींद पूरी होगी आपकी। बाहर निकालो फिंगर, फिंगर बाहर निकालो ऐसे। आपको खिलौने किधर है? टॉयज किधर है? टॉयज बेबी के। क्या बन रहा है आज खाने में? आर यू ब्लाइंड? भिंडी। ये दुल्हन जो है ना हमारी, ये भिंडी बना रही है। इसकी मेहंदी जरा देखें, रात को हमने मेहंदी लगाई दोबारा। सबको शौक चढ़ रहे थे तो हमने मेहंदियाँ लगा ली, मैंने भी लगाई थी। आज हम सबको ना दोबारा से शौक चढ़ा हुआ था और हमने ना दोबारा मेहंदी लगाई है। ये मानो के काम देखें ज़रा, ये आपी सना, ये आपी सना की मेहंदी है। और ये जो मेहंदी है ना, ये मैंने, मुझे ये वाली आमना ने लगाई थी और बाकी ये जो है इनको मैंने खुद फिल की है। और ये जो है ये हमारा जुहान है, मोहम्मद जुहान। कैसे हो आप? कैसे हो? हाँ जी, अभी यहाँ पे होने लगा है वाटरमेलन का एक्सपेरिमेंट। हैप्पी बर्थडे टू यू वाटरमेलन। पक्का? अभी अभी तोड़ के लेके आए हैं, ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश। पकड़ो वाली, कैसे है अब्दुल वाली, कैसे है मामा मामा? रीजा की वीडियो क्लास है, रीजा टेस्ट। बालो कुड़ियो चीज बनी ले आओ। मैं काट के आ एक मिनट, मैं नहीं जा सकता, मैं पर आई जाता जो चाहेगा आ जा रही। नहीं एमए नहीं, एमए एमए जा बाबा आगे जुहान के। ये इधर जुहान जरा कैरी के साथ खेल रहा है ना। जुहान क्या कर रही है उसकी आंख में? छोड़ दो उसको, दो कैरी। जुहान पकड़ो, कैरी के साथ खेलो, ले लो जुहान। इंजॉय कर दे बेबी। ओ मैं अपनी वॉइस पे आती हूँ जी वापस। आयशा ने बहुत ज़्यादा वॉइस इस व्लॉग में कर ली है, तो अब मैं इधर अपना जो है ना अपनी वॉइस को उतरती हूँ अपने व्लॉग में। तो अभी जो है इसने ग्रीन चिली जो है वो इसमें डाली और इसको अच्छे से कूट लेगी। ये इस तरह से नहीं रही, इस तरह से हम चावलों में डालते हैं, लेकिन इसको अच्छे से बारीक कर लेना है। उसके बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो एक एक करके ये डालेगी और मैं तब तक नमाज़ पढ़ लेती हूँ। नमाज तो हो गया टाइम अभी, ये हो गई। इसके बाद मैंने ये धनिया अपनी जो ना वॉश कर ली, फ्रीज़ की हुई थी इनके, मैंने वॉश कर ली अभी ये करके। तो ये दोनों चीज़ें, हाँ ये दोनों चीज़ें ऐड करके ये कूट लेगी। तो अगर मैं नमाज़ पढ़ते ही कूट लिया तो उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। अभी मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ और ये अपना काम कर लेती है, ठीक है? तब तक हमारा खाना शाना भी रेडी हो जाएगा क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के आ गई और अब वो लोग भी जो हैं जुमा पढ़ के आने ही वाले हैं, तो इस वजह से फिर हम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो फिर अभी आप लोगों के साथ जो अगली वीडियो है ना वो कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या किया है आप बताओ, इसमें क्या करना है हमने अब इसके बाद? लेट्स सी। और पुदीना ना उसको हमने पीस लिया है, अभी हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ये जो कैरी हमने कट की थी, चलो सारी ऐड करो, सारी अभी
अंदर सारी ऐड कर ली है। अब इसको सारे को अच्छे तरीके से पीस लेंगे और फिर इसके अंदर बाद में हम ऐड करेंगे टमाटर। जब टमाटर हमारे अच्छे से पीस जाएंगे ना, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर नमक और रेड जो बनी हुई मिर्च होती है ना, वो इसके अंदर ऐड करनी है। और फिर हम आप लास्ट लुक इसकी दिखाएंगे, फाइनल लुक भी दिखाएंगे। साथ में मैंने जरा अभी आप पिसाना को लगाया, मेरी बाजू थक गई थी, मैंने कहा साथ जरा लगो मेरे। जो है हमारी यम सी ग्रीन चटनी जो है बड़ी मज़े की रेडी हो गई है। और मैं वो जो दिखाती हूँ आपको कुंडा, जिसके अंदर हमने इस चटनी को बनाया है। अभी ना इसके अंदर थोड़ी चटनी लगी हुई है, इसको ऐसे रोटी के साथ साफ कर लेंगे और ये बड़ी मज़े की लगती है इस तरह ऐसे करके। सब जुमा पढ़ के आ गए हैं, इसीलिए शोर हो रहा है, बच्चे भी सारे इधर हैं। अभी हम अपनी भिंडी के साथ और सबको खाना देते भिंडी और साथ में ग्रीन चटनी। हमारी हांडी जो है ना वो इधर रेडी हो रही है, बस अभी इसके भून लेंगे प्याज वगैरह और इसके अंदर ऐड करनी है फिर भिंडी और फिर कंप्लीट होती है तो फिर सबको खाना देते और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। टमाटर जो है ये भी रेडी होगी और चटनी सलाद और भिंडी का कॉम्बिनेशन क्या मज़े का लगता है। यम और वो भी जुम्मे का दिन दोपहर का टाइम और बहुत मज़ा देती गई चीज़ें। आज का दोपहर जो खाना, दोपहर का खाना जो है ना वो रेडी हो गया है, भिंडी सलाद उसके बाद चटनी और रोटी अभी बहुत मज़े की बनी है, मैं तो खाने लगी हूँ। आप लोग भी खाएँ फिर मैं आती हूँ ज़रा। अच्छा जी, अब एक बाइट बनाते हैं, हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट अच्छा। सो आप लोग भी ये जो चटनी है ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अपना और अपने गिरदनुमा का सबका रखे ख्याल। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।